नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त वाले प्रश्न, उन प्रश्नों को जिनके लिए बहुत समय लगाते हैं आप लोग। साथियों, अगर आप केवल 10 मिनट मेरे साथ बने रहेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको ऐसे प्रश्नों को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते ही मार देंगे आप। चलिए देखते हैं, पहले आप कॉन्सेप्ट को जान लीजिए। कभी भी आपको कुछ नहीं देखना है, केवल दर को देखना है। अगर 10% दर है तो आपको करना क्या है, ध्यान सुनिएगा। आपको ध्यान सुनना है, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना है आपको। आपको बस 10 का स्क्वायर कर देना है, कितना होता है 100, फिर लिख देना है 100 और फिर लिख देना है इसका 10%, कितना 10। ये हमेशा 210 हमेशा ये उधार राशि आ जाएगी, याद रखिएगा उधार राशि आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, मैंने आपको तरीका बता दिया, इसका स्क्वायर कर देना है आपको। ये सब नियम कैसे बनते हैं इसको जानने के लिए, अगर आप बांदा के आसपास क्षेत्र से हैं तो व्योमन क्लासेस में जरूर जुड़िए, ऑफलाइन क्लासों में हमारी जुड़िए। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, निःशुल्क ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये हमेशा उधार धनराशि होगी और जो किस्त हमेशा बनेगी वो 10% का मतलब आप सब जानते हैं, 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10 या कह सकते हैं 100/100, 0/0 कट जाएगा, 1/10। अगर 2 साल की बात है तो किस्त हमेशा 10 में 1 जोड़ दीजिए, 11/11 के स्क्वायर बनेगी। तो नियम बन गया कि 210 रुपये उधार ले लीजिए, कितना उधार ले लीजिए, 210 रुपये उधार ले लीजिए, 210 रुपये उधार ले लीजिए और 121 में लौटा दीजिए। आपने कितना उधार लिया था हमसे, 210 उधार लिया था, इसका मतलब आप कितना किस्त देंगे, प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा 121। फिर कह रहा हूँ कुछ नहीं करना है, आगे चल के कठिन प्रश्नों को देखेंगे, देखते ही आंसर मार देंगे हम आंसर देखते ही मार देंगे। चलिए आपको एग्जांपल के लिए बताते हैं, एक प्रश्न को हम देखते ही आंसर मारेंगे। हमने कहा सर इसमें आंसर बताने का प्रयास करिए, या हमने कहा सर इनमें आंसर बताने का प्रयास करिए, इन क्वेश्चंस में इसमें आंसर बताने का प्रयास करिए, प्रत्येक किस्त का मान। हमने कहा सर हम कुछ नहीं करेंगे, अभी कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, 16/2/3 होता है, हम कुछ नहीं करेंगे सर, 16/2/3 होता है, इसको बोलते हैं 1/6। क्या बोलते हैं 1/6, 1/6 का मतलब होता है 6 में 1 का वृद्धि, कितना हो जाएगा 7। अब 7 का क्यूब कर दीजिए, बस 7 का क्यूब कर दीजिए 343, जो भी ऑप्शन 343 से कट जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, तुम नहीं कटोगे लाला, तुम भी नहीं कटोगे लाला, तुम भी नहीं कटोगे। पहले बच्चे ये हमारा आंसर हो गया। हमें मोह माया से मतलब नहीं है, कंपटीशन कहता है उत्तर निकालो, कंपटीशन कहता है उत्तर निकालो, हम उत्तर देख के बता रहे हैं, प्रत्येक किस्त का मान यही आएगा। अब पूरे बेसिक से करेंगे, हम पूरे बेसिक से इस प्रश्न को करेंगे, समझते चलिएगा प्यारे बच्चे। अगर हम इसको बिल्कुल बेसिक से करते हैं तो कैसे बनेगा, हमने आपको बताया था इसका स्क्वायर लिखेंगे, इसका क्यूब लिखेंगे, 216 आएगा, फिर 216 आएगा और 216 आएगा, फिर इसका 1/6 करेंगे 36 आएगा, फिर इसको पता है आपको दुगना जोड़ देते हैं हम हमेशा, ठीक, और फिर इसको करेंगे तो इसका 1/6 6 आ जाएगा। कभी भी ये सब मत करिए साथियों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी ये सब मत करिएगा। जैसे मैं उत्तर मारता हूँ आप भी देख के उत्तर मार दीजिएगा। हम जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा 648 16/48, हाँ बिल्कुल, ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 6 8 6 14, तो ये हो जाएगा 648 + 14 114, 8 4 12, 4 1 5 1 6 6 1 762, मतलब नियम बना 762 रुपये उधार ले लो, 762 रुपये उधार ले लो। आपने उधार लिए हैं 10 गुना, अगर बेटा उधार 10 गुना लिए हैं तो आपको पता है 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है 343, तो बस देखते हैं आंसर मार दो, 343 का 10 गुना 3430। मैंने वही तो कहा था बेटा, तो आपने क्यों इतनी रामायण करी बेटा, फिर कह रहा हूँ इतनी रामायण नहीं करना, देखते ही आंसर मार देना है। चलें भैया अगले प्रश्न पे, चला गुरुजी अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न वाला देखें तो कह रहा है घबराना नहीं प्यारा बच्चा, जिगर का टुकड़ा घबराना बिल्कुल नहीं है। 10%, 10 का स्क्वायर 100, फिर नीचे 100, फिर 10, 210, 210 लिया हो 121 में लौटा दो ना भैया पैसा मोर, तुमने कहा गुरुजी 10 गुना लौटाई, हाँ 10 गुना लौटाओगे तो 10 गुना पैसा भी तो पाओगे, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना भैया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत गुरुजी, अगला चलो।
तो बच्चा फिर देख लो, इतना खतरनाक प्रश्न आ गया 8%, वो भी जीडी के एग्जाम में आया। फिर मत कहना कि गुरुजी तुम बताए नहीं रहे, गुरुजी बता रहे हैं 8% का मतलब होता है 8/100, 8/100, 4 × 8 पढ़ते हैं, 4 × 8 = 25 पढ़ते हैं, 25 × 2 = 27 और 27 का स्क्वायर पढ़े रहे हम 729, तुम भी पढ़े रहेगा, हाँ हम भी पढ़े रहे, तो जो आंसर हुई वो 7 से 29 के मल्टीपल में हुई, 729 से विकल्प यही है 72, 90। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब बात कर लो बेसिक की, अब अगले प्रश्न को आ जाओ। अगला प्रश्न 10% है, 10% देखते ही दोल बोले 10 का मतलब होता है गुरुजी का, 10 का मतलब 10/11, क्या मतलब होता है 10/11, 10 में 1 तो 11, 11 में कितनी किस्तें, 2 किस्तें, 11 × 121, वही है विकल्प हुई जो किसका हुई 121 का हुई। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही। अगले में आवा गुरुजी, ठीक है साथियों अगले प्रश्न को देख लो। और गुरुजी खतरनाक प्रश्न है गुरुजी ये, चलो गुरुजी कह रहे खतरनाक है ना, तुम देख के मार देंगे आंसर। 5% मतलब क्या पढ़े रहे तुम बचपन में, 1/20, 1/20, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, फिर लिखिया 400, अब 400 × 1/20 निकलिए कितना होता है 20, कितना आ गया 420, आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आ गया ना। अब 820 रुपया लिया और 20 का 21, 481 में लौटा दिया, ठीक है। अब तुमने क्या किया, उधार ली गई, प्रत्येक किस्त का मान है, तो बतावा किस्त तुम कितना लौटा रहे हो, कितना लौटाइया, इतना लौटाइया एक किस्त, इसका कितना गुना होता है, 4 गुना होता है, कितने गुना, 4 गुना, ये 0, ये 40 गुना, मतलब यार अगर 40 गुना किस्त लौटाइया तो पैसा भी 40 गुना उधार मिली कि ना मिली, 0 और 0, 4 × 8 और 8 × 32, बाकी सब मोह माया है, ठीक है नौकरिया वाकरिया लेकिन पढ़ाई बहुत करेगा, ठीक है। ये बोल मजा आओ कि ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आगे देखो भाई अगला प्रश्न धुरंधर, मैंने बता दिया है, और कोई धुरंधर प्रश्न आ रहा है क्या, ये भी हो गया भैया, ये हो गया, ठीक है साथियों। मेरी मेहनत कैसी लग रही है, मेरा तरीका पढ़ाने कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपका एक कमेंट मेरे लिए संजीवनी बूटी का काम करती है। जय हिंद, जय हिंद साथियों।